पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठापना आणि रथयात्रेचा शुभारंभ शनिवारी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते खारघर येथे झाला. महाराष्ट्र ओरिओ वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने आयोजित या भव्य समारंभाला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा गौरव करण्यात आला. महाराष्ट्र ओरिया वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने खारघरच्या सेक्टर 5 मध्ये भव्य असे श्री जगन्नाथ मंदिर उभारण्यात आलंय. या मंदिराचा प्रतिष्ठापना सोहळा आणि श्री जगन्नाथ यात्रेचा शुभारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीत शनिवारी झाला. यावेळी महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, केवी सिंग, अनु चौधरी, प्रसन्न साहू यांच्यासह असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते तसेच भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले प्रमुख पाहुणे आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्र ओरिया वेलफेअर असोसिएशनच्या कार्याचे कौतुक करून श्री जगन्नाथ रथयात्रेच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या कामांचेही कौतुक केले. आप कविता जी कह रहे थे पानबेल नया कॉर्पोरेशन बना, हमारा मंदिर भी नया बना है. देखिए ये सुखद संयोग है, पानबेल एक नया कॉर्पोरेशन हुई और आप उसकी पहली बार मेयर श्री बने. प्रशांत जी ने लग के मुख्यमंत्री जी से इसको कॉर्पोरेशन बनाया है और संयोग देखिए ये हम लोगों के वहां कहा जाता है प्रभु के बिना इच्छा से कुछ नहीं होता है, कोई दर्शन भी मात्र नहीं कर सकता है. आज तो करोड़ों रुपया खर्चा करके मंदिर बन गया और इसकी सौभाग्य संयोग देखिए मेरे मित्र प्रशांत जी के पूज्य पिता, हम सभी के नेता, इस इलाका के एक प्रवीण जननेता रामशेष ठाकुर जी के हाथ में उसकी नींव रखी गई थी. निश्चित रूप में प्रशांत जी भी जो मंदिर की सेवा करते हैं, हम उसको सेवक कहते हैं, उनकी महत्व अपने आप में बढ़ जाता है. इस इलाका में उड़िया समाज तो उनकी जीवन भर समाज सेवक रहेंगे ही, लेकिन आप भी इस मंदिर की प्रमुख सेवक हैं. आपकी जिम्मेवारी सदैव आपने लिया है, आपके परिवार ने लिया है, आने वाले दिनों में आप उसको लेते रहोगे, यह हमारी उम्मीद है, यह हमारी अपेक्षा आपसे है. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या भाषणाची ओरिया भाषेतून सुरुवात करून ओरिया बांधवांच्या सामाजिक कार्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. मुनी तारे दिबा ओडियांकु स्वागत जनाबी जी, आप सभी का इस उत्सव के लिए बहुत बहुत स्वागत है. आज इस उत्सव के माध्यम से हम सभी की ओर से मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करना चाहता हूँ. पूरे देश भर में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश को क्लीन एनर्जी देने का, इस देश को क्लीन फ्यूल देने का, इस देश को डेवलपमेंट की ओर लेके जाने का, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को पूरे देश भर में लेके जाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए आज आदरणीय मंत्री जी हम सभी के बीच में उपस्थित है. पनवेल महानगर वासियों की ओर से हमारी मेयर आदरणीय डॉक्टर कविता चौतमोल जी और हमारे सारे सहयोगियों की ओर से भी मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ. महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल यांनीही समयोचित भाषण केले. जो अभी पनवेल कॉर्पोरेशन हाल ही में हुई है उसमें ऐसे जो बहुत सारे विभाग है जिसमें हमारा विलेज एरिया आता है, सिडको एरिया आता है और जो पुराना हमारा नगर परिषद का एरिया है वो आता है, और जो हैंड ओवर की प्रोसीजर है सिडको से पनवेल कॉर्पोरेशन में वो अभी हमारी प्रोसीजर चालू है, और ये जो ट्रांजिशन पीरियड हमारा चालू है ये पीरियड में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि बहुत सारा जो हमारा एरिया है जो खारघर नोड जहाँ पर अभी आप सब उपस्थित है, ये जो नोड है ये हमारे सिडको के अंडर आता है. इनकी सारी जो अभी आपने जैसे कि बोला है यहाँ के एरिया का भी प्रॉब्लम रहेगा, ये प्लॉट का भी जो हैंडिंग ओवर का ये जो अभी हमारी बात चल रही थी ये सारा अपना सिडको के एमडी जो है उनके अंडर अभी ये प्रोसीजर चालू है, और मुझे विश्वास है कि हमारे एमएल जी प्रशांत ठाकुर जी ज़रूर ये प्लॉट अपने के लिए अपना मंदिर के लिए ज़रूर अपने पास आएंगे.